एसपी सिटी सोनम कुमार गुरुवार की सुबह गुड मॉर्निंग गोरखपुर के तहत मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। गोरखपुर के मिनी जुहू चौपाटी के रूप में मशहूर लेक व्यू रामगढ़ ताल पर टहलने आए लोगों को गुलाब का फूल देकर उनका हाल जाना। गोरखपुर के अधिकारी से गुलाब का फूल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। जनपद के अलग अलग सर्किल के क्षेत्र अधिकारियों को भी कहा गया है कि उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उनसे मिले और बातचीत करें। उन्होंने भी यहाँ पर लोगों से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि सुबह टहलने में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ऐसे में पुलिस और लोगों के बीच कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, कई बार का एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे पुलिस प्रेजेंस बढ़ाया जाए तो सर इम्प्रूव हो? अब सर ये हो सकता है ना कि जैसे सुबह अगर 5 बजे या साढ़े कितने बजे तक आप लोग करते हैं यहाँ पे? ये 7 बजे तक, 7 बजे तक रहते हैं लोग, उसके बाद फिर डर लगता है। आपको लगे डेंजरस ड्राइविंग कर रहा है ना, तो गाड़ी का फोटो। गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग गोरखपुर करके जो अभियान है उसके तहत हम लोग सभी जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनको किसी तरह की सुरक्षा संबंधी अगर समस्या है या और भी कोई समस्या है तो वो उनसे सुनी जा रही है, उनसे बात की जा रही है। और अभी कुछ समय पहले 94 ईयर ओल्ड एक रिटायर्ड एडवोकेट सर थे, उनसे बात हुई, उनसे पता चला कि वो यहीं पे प्रैक्टिस करते थे। तो वृद्ध लोगों पे खास करके बात की जा रही है और यंग है उनसे भी बात की जा रही है। और सभी जो एएसपी साहब हैं, सीईओ गोरखनाथ जी हैं, इन सबको भी कहा गया है कि वो भी अलग अलग पार्क्स में जाकर सबसे बात करें और लोगों की समस्या को सुने। उद्देश्य है कि देखिए, सबसे पहले तो मॉर्निंग वॉक जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा करते हैं, जो लोग सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उनको सुरक्षा संबंधी कोई समस्या ना हो। सुबह जो घटनाएं घटती हैं, कई बार सुबह सुबह कुछ घटनाएं घट जाती हैं सड़कों पर, उन घटनाओं में रोकथाम आएगी और लोगों के साथ जो है कनेक्ट बनेगा पुलिस और पब्लिक के बीच में, इसलिए हम लोगों ने यह अभियान प्रारंभ किया है।